और एक हार्ड कोर मशीन हो जिससे आप आईफोन भी अब डायग्नोस कर सकें और एंड्रॉयड भी डायग्नोस कर सकें और हर तरह के लैपटॉप को डायग्नोस कर सकें। 4.4 हैंडसेट लेते हैं, आईफोन जब भी हम ऑन करेंगे तो हम 4.4 पे रखेंगे और एंड्रॉयड कभी भी हम ऑन करेंगे तो 4.2, पर आप एंड्रॉयड में 4.4 पे आप रख सकते हैं अभी के आने वाले सेटों में। हालांकि अभी के सेट जो आ रहे हैं वो 8 वोल्ट 9 वोल्ट पर भी आ रहे हैं। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ एक डीसी मशीन का। दोस्तों मैं बहुत सारी डीसी मशीन नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक डीसी मशीन दिखाऊंगा और वो बेस्ट होगी, ठीक है। तो ये जो डीसी मशीन है ये कोराट की डीसी मशीन है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सी डीसी मशीन लें। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डीसी मशीन के ऊपर अपने अपने सजेशन दिए होंगे, अपने अपने मतलब एक एक्सपीरियंस दिया होगा, पर एज अ हार्ड कोर अगर टेक्नीशियन की बात करूं तो आपकी ये डीसी मशीन सबसे बेस्ट है। अगर मैं सुगुन की डीसी मशीन की बात करूं तो उससे भी बेस्ट है, इसमें बहुत फ़ायदे हैं सुगुन की मशीन, क्योंकि मैंने सब तरह की डीसी मशीन यूज़ की है। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसी डीसी मशीन होगी जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए अगर बिक रही होगी जो मैंने यूज़ नहीं की है, क्योंकि बाय द गॉड ग्रेस आप ये मान के चलो कि मुझे हर एक मशीन पहले मिल जाती है टेस्टिंग के लिए ताकि अपना टेक्निकल रिव्यू दे सकूं। दोस्तों ये मशीन हम अपने इंस्टीट्यूट में भी यूज़ कर रहे हैं, कोराड। ये एक हैवी ड्यूटी मशीन है और इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर है। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा, आइए मैं इसमें केबल लगा देता हूँ। तो नोटिस कीजिए इसके पीछे, ये देखिए केबल लगा देते हैं पहले। ओके, तो देखिए मैंने केबल लगा दिया है, अब इसको ऑन करूँगा डीसी मशीन को। तो देखिए मैंने अपनी डीसी मशीन को ऑन कर लिया है। तो अब मैं आपको इस मशीन के बारे में सारी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर ये मैं जो सेटअप मैंने इस बार वीडियो के लिए बनाया है वो कैसा है, और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो वो भी बताइएगा। दोस्तों ये जो डीसी मशीन है, अगर मैं बात करूँ इस डीसी मशीन में, इस डीसी मशीन के बहुत सारी खासियत है। दोस्तों ये जो डीसी मशीन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कोराट की डीसी मशीन है। यहाँ पर हमारा एशिया टेलीकॉम का लोगो लगा हुआ है। खैर हम अपनी हर मशीन के ऊपर एक लोगो लगाते हैं, तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी एक दुकान का एक स्टीगल लोगो बनाएं और अपने टूल्स के ऊपर लगाएं, ठीक है, ताकि एक अच्छी ब्रांडिंग होती है और ये ब्रांडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ इस डीसी मशीन के सारे यहाँ पर चैनल्स की, अगर मैं बात करूँ क्या क्या आपको ये डीसी मशीन देती है, ये ट्रांसफार्मर डीसी मशीन है और ये एक हैवी ड्यूटी मशीन है। ये बेसिकली आप अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो ये 30 वोल्ट तक निकालती है, और जब एम्पियर की बात करेंगे तो 5.1 ये एम्पियर तक देती है। अब अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो मुझे वोल्टेज सेट करना है तो मुझे यहाँ पर प्रेस करना होगा। सो देखिए यहाँ से मैं वोल्टेज को बढ़ा सकता हूँ, आप नोटिस कीजिए वोल्टेज को बढ़ाऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए वोल्टेज और चैनल लिखा हुआ है। और देखिए यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियो बनाए होंगे, पर मैं ये समझता हूँ बहुत सारे वीडियो बायस होते हैं, बेचने के तरफ होते हैं। आप कभी भी अगर डीसी मशीन लें तो एक ट्रांसफार्मर मशीन लें, एसएमपीएस मत खरीदें। एसएमपीएस मतलब जिसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होता है, उसको उठा के देखिए उसमें वजन होना चाहिए, क्योंकि ये मशीन लॉन्ग लाइफ होती है और ये मशीन कभी ख़राब नहीं होती है, ना कि बराबर ख़राब होती है। जो एसएमपीएस होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और अगर हम उसमें शॉर्टिंग एम्पियर की बात करेंगे तो ना के बराबर उसमें हमें आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है वी, वी मतलब वोल्टेज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें इसको, अगर हम पूरा जूम करें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी मतलब वोल्टेज। सो इस वोल्टेज को हम यहाँ पर दबाएंगे, देखो ये बिल्कुल घड़ी के जैसा है, जैसे घड़ी हम सेट करते हैं, वॉच, हैंड वॉच या जो भी वॉच हो। तो हमें देखिए अगर मैं यहाँ गया, मैं इसे राइट लेफ्ट ये जा सकता हूँ, जैसे डेट और टाइम मैच करते हैं, या हम वॉच डेट और टाइम को जिस तरीके से हम सेट करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 3 वोल्टेज, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये मैक्सिमम जाएंगे 30, आप देख सकते हैं। और अगर ये ले लूँ 31, सो मैक्सिमम वोल्टेज 31 वोल्टेज तक ये आउटपुट देगा, जिसको हम लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। आप तो जानते हैं लैपटॉप में
19 वोल्टेज का डीसी इनपुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखें तो पर हम मोबाइल रिपेयरिंग में हम जो इनपुट लेते हैं वो 4.2 लेते हैं, ठीक है। नए हैंडसेट में 4.4 हैंडसेट लेते हैं। आईफोन जब भी हम ऑन करेंगे तो हम 4.4 पे रखेंगे, और एंड्रॉयड कभी भी हम ऑन करेंगे तो 4.2, पर आप एंड्रॉयड में 4.4 पे आप रख सकते हैं अभी के आने वाले सेटों में। हालांकि अभी के सेट जो आ रहे हैं वो 8 बोल्ट 9 बोल्ट पर भी आ रहे हैं, खैर उनके लिए हम कभी और बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है ये एम्पियर है, और ये एम्पियर को आपको इसी चैनल इसी बटन से सेट करना होगा। और दोस्तों आप यही मॉडल लीजिएगा, मैं मॉडल का आपको दिखा दूंगा क्या यहाँ पर है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ये स्टिकर की वजह से मॉडल छुप गया होगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी हो गई है, मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और आज तक ख़राब नहीं हुई। मैं भी यही चाहूँगा कि आप भी ऐसी मशीन लें जो कभी ख़राब ना हो और सालों तक यूज़ करें, और एक हार्ड कोर मशीन हो जिससे आप आईफोन भी आप डायग्नोस कर सकें और एंड्रॉयड भी डायग्नोस कर सकें और हर तरह के लैपटॉप को डायग्नोस कर सकें। अब नोटिस कीजिए दोस्तों, अगर मुझे एम्पियर को कम ज़्यादा करना है तो देखिए, तो ये एम्पियर है और ये 5.1 एम्पियर तक जाता है। सबसे अच्छी बात जो इसमें मुझे लगी है वो है ऑन ऑफ का बटन। तो यहाँ पर मुझे ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि सोगुन में नहीं होता है, वहाँ क्या होता है उसको ऑन करो ऑफ करो, इसमें ऑन ऑफ का बटन है। मान लो इन केस मुझे ये अभी कुछ देर के लिए यूज़ नहीं करनी है और मैं बंद भी नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। बेसिकली हम बात करें यहाँ पर सो आप तो तीन प्रोब यहाँ पे, तो तीन पिनें आप टर्मिनल यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारी जो तीन पिन है या आउटपुट पिन है जिससे हम आउटपुट निकालते हैं, ये प्लस माइनस यूज़ करनी है आपको। अब हम बात करें कि इसके साथ आपको क्या मिलता है जो कि सबसे बेस्ट मुझे लगा, तो एक ऑन ऑफ बटन। अब आप नोटिस करो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जी OBP, OCP मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन, OBP मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। सो करंट से भी ज़्यादा करंट से भी प्रोटेक्ट करना है, वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट करना है, और यही प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर आप देखिए कि बहुत सारे टाइप के डायोड लगे होंगे। और आपको तो पता है कि डायोड एक डायोड होता है, जब दो बन जाता है तो वो एक जंक्शन बन जाता है, और PN जंक्शन जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और उसी के ही एडवांस सर्किट को या बेटर सर्किट को हम MOSFET बुलाते हैं। तो इसके अंदर बहुत अच्छे MOSFET यूज़ किए गए हैं स्विचिंग के लिए, और वोल्ट ना के बराबर आता है। हमने SMPS यूज़ की, हमने हर तरह का मशीन यूज़ की, हमने सुगुन सनशाइन मैकेनिक, पर हमको दोस्तों जो यहाँ इस मशीन के में फीडबैक मिला है वो सबसे बेस्ट है। मैं 100% दावा कर सकता हूं कि ये मशीन लेने के बाद आप कभी भी निराश नहीं होंगे। और मैं इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मशीन मैंने अपनी ही कर रहा हूं। अगर मार्केटिंग करता तो मैं कोई नई प्रोडक्ट की करता, अनबॉक्सिंग करता जो मुझे सेंड किया होता, पर ये देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि भविष्य में आने वाले मेरे जो स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं वो ये मशीन वो मुझसे बार बार ये ना पूछे सर कौन सी मशीन लें। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा वीडियो देखें तो वो बोले हाँ सर आपने रिकमेंड किया था, हमने ये मशीन ली है, अब हम ये सीखना है। अब हमको इतना तो आपके वीडियो से आ जाएगा कि मैं सीख लूँगा चला लूँगा। सो आइए इसको चलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए कि आपको चैनल से दिखाई देंगे, आप देखिए M1 M2 M3 M4 जैसे फॉर एग्जाम्पल M1। अब M1 में मैं चाहूँ तो 5 एम्पियर को कम कर सकता हूँ, तो मुझे M1 में क्या करना होगा ये देखिए, मैंने जैसे 3 एम्पियर कर लिया, अब एम पर और यहाँ पर 4.3 कर लेता हूँ ये देखिए, तो ये M1 सेट हो चुका है। अब M2 में करूँगा तो यहाँ पर 2 एम्पियर है, 1.8 वोल्टेज की सप्लाई, M3 में 1 वोल्टेज है 1 एम्पियर की सप्लाई, और इसमें भी हम सप्लाई चेंज करेंगे तो इसमें हम करेंगे यहाँ पर 2.8 की सप्लाई। देखिए जब भी हम ये वोल्टेज इसलिए करते हैं क्योंकि हम मोबाइल में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ICO को रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ये सब हमें सेट करना होता है, आप भी ये सब सेट करके रहिए। M4 की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं वोल्टेज लेना चाहूँगा, आप देखिए 3.7, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा 3.7 ले लूँ। अब ये सब सेट हो गया है, अब मुझे जैसे ही 1.8 वोल्टेज चाहिए होंगे तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को और सुंदर बनाने के लिए ये रख देता हूँ। अब जैसे ही मुझे ये गाड़ी ओके अब जैसे ही मुझे वोल्टेज चाहिए होंगे तो मैं M2 दबा दूँगा, 2.8 तो M3 दबा दूँगा, और अभी भी देखिए ऑन नहीं है, ये ऑन करने के लिए ये है, तो एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और ये रेगुलेटर एडजस्ट करने के लिए है ताकि जब हम ये बटन को यूज़ करें तो रेगुलेटर से कम ज़्यादा कर सकें। सो इस तरह से मशीन का यूज़ करना है। ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पे दो
आपको दो बार में बीप सुनाई देगी, मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखिए अब ये क्या हो गया दोस्तों, अब ये लॉक हो गई है। आप नोटिस करो अब इसका कोई भी बटन काम नहीं करेगा। अब फिर से बीप सुनिए, अब देखिए तो ये लॉक सिस्टम भी है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको किया और लॉक कर दिया, अब इसको कोई भी, ये देखिए इवन लॉक से भी अनलॉक नहीं हो रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको अनलॉक करूँगा, ये देखिए अब ये अनलॉक हो गई है। नोटिस कीजिए ये OCP प्रोटेक्शन और ये OBP प्रोटेक्शन हमारे प्रोटेक्शन सर्किट के लिए दिया गया है, और ये मशीन काफ़ी एडवांस है, और मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग इसी मशीन का यूज़ करें, क्योंकि इस मशीन में आप जो कंपोनेंट देखेंगे वो काफ़ी बेस्ट हैं। इस मशीन को खोल कर दिखाना और कंपोनेंट दिखाना मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब के नहीं है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, बेसिक और जो मदरबोर्ड है काफ़ी अच्छा है। और देखिए जो मशीन में ये मुझे 3 साल से ऊपर हो गए इस मशीन में और आज तक ख़राब नहीं हुई है। अब आप मुझे बताइए कि नई नई मशीन पे अपने पैसे लगाकर वेस्ट करना बिल्कुल वैसे ही होगा कि किसी ऐसी जगह रिपेयरिंग सीखने जाना जिन्होंने खुद अभी जुम्मा खोला है, या जिनको खुद नहीं पता है, या जिनकी वीडियो से खुद आपको लग रहा है कि ये बहुत एडवांस सर्किटों का नॉलेज नहीं रखते हैं, या आज भी पुराने 3G 4G या उन सर्किटों में पड़े हुए हैं, या आज भी इनको सिर्फ वही बातें हैं जो YouTube में चल रही हैं, कुछ नया नहीं है। सो नोटिस कीजिएगा ये मशीन आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताएगा ज़रूर, और इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो मैं आपको और दूंगा, और अगर आपको DC मशीन से कुछ और नए नए वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?